शरावत धीनु बलही बलम जरावत धीनु बलही साइड हो गए।
और जला लीजिए, और जला दीजिए, और जला दीजिए। उधर से संगीत मार्टन गायन पक्ष के चारों पट्टे महारथी संगीत आचार्य पंडित राम आश्रय झा रामरंज प्रयाग के ही नहीं, देश के ही नहीं, वरन विदेश के गौरव थे। जिस प्रकार भारतीय पृष्ठभूमि पर प्रयाग के महान साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, उसी प्रकार भारतीय संगीत के क्षेत्र में प्रयाग के संगीत महर्षि भट्ट घराने के स्तंभ स्वर्गीय पंडित रामाश्रय झा का नाम उनकी सेवाओं के कारण चिरस्मरणीय रहेगा। दरभंगा जिले के खजुरा ग्राम में मैथिल ब्राह्मण कुल के स्थान में अपने पिता स्वर्गीय सुखदेव झा जी से संगीत सीखना आरंभ किया। तत्पश्चात अपने चाचा पंडित मधुसूदन झा जी से हारमोनियम एवं गायन सीखना पासी हो गए। संगीत का गहन प्रशिक्षण आपने अपने गुरु रामलाल की सबसे महत्वपूर्ण एवं चमत्कारिक उपलब्धि यह रही है कि उन्होंने संपूर्ण रामायण को ख्याल शैली में बांधकर संगीत रामायण को स्वर्णिमिबद्ध किया। आपने अपने जीवन काल में अनेक योग्य शिष्य शिष्याओं को शिक्षित किया, जिनमें श्री कांता खन्ना जी, पंडित शांताराम विष्णु प्रशांतर जी, डॉक्टर रामशंकर जी, श्री श्रीकांत वैश्य, श्री रॉबिन चटर्जी, डॉक्टर इला मालवे, डॉक्टर प्रभा सिरोठिया, श्री शुभा मुद्गली, श्री अनिल शर्मा, श्री प्रकाश व्यास, श्री श्रीमती शिक्षा, हम सभी हृदय से उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके वरिष्ठ शिष्यों में से एक पंडित विष्णु राम करें पंडित जिसके ऊपर हमारे जी जो आए थे दिल्ली से, उन्होंने बहुत सुंदर से कहा था, मैं उसकी याद दिलाना चाहता हूँ। मैं उन सबों को कर्मबद्ध धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरा जो धन्यवाद देना चाहता हूँ वो प्रयाग संगीत समिति के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिलन मुखर्जी और सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार और तमाम कर्मचारी जो प्रयाग संगीत समिति से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य के अंदर हाथ बढ़ाया। और अगर उन्होंने इतना हाथ तो बढ़ाया होता तो ये आज और हमें नहीं मिलता। मैं उन सबों का बहुत ही आभारी हूँ। इसी के साथ मैं तीसरा आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ आज के गायक जो वादक और जो गायक वादक और उनके साथ संगत करने वाले लोग हैं, पंडित उल्लास कछारकर आज यहाँ कलकत्ते से पधारे हैं, श्री मुकुंद भारे तबला वादक वो खैरागढ़ से पधारे हैं और श्री विनोद शर्मा ये दिल्ली से आए हुए हैं। इन तीनों के जितने भी आभार माने थोड़े ये लोग जिस तरह से कि आज स्थिति चल रही है कंज्यूमर सोसाइटी के अंदर उस तरह से नहीं आया, ये सचमुच में संगीत का प्रेम है इससे आया हुए, तो ये हमारे बधाई पात्र हैं। इनके साथ इनके दो शिष्य भी आए हैं, एक दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं मिस्टर सिंह और एक है मिस्टर नगरकर जो लखनऊ में आईटीसी सरीखी जो संस्था है उस संस्था के कार्यभार उन्होंने संभाले। इन पांचों लोगों को हम जितना भी धन्यवाद देंगे ये निश्चित। और प्रयाग एक बात मैं कहना भूल गया, प्रयाग संगीत समिति ने ये जो कुछ भी दिया है हमको वो निःशुल्क दिया है। अब इससे बढ़कर और
मैं संगीत की क्या सारी हूँ, संगीत संगीत बढ़ी इसके लिए, और दूसरी चीज पंडित रामाचार्य झा हमारे गुरु जी इस इंस्टीट्यूशन से 8-10 साल अटैच थे, यहीं से वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए थे। इन दो बातों का ख्याल संगीत समिति के लोगों ने किया, मैं इस बात का बहुत ही आभारी हूँ। मैं आप सभी का भी बहुत आभारी हूँ, आप सब यहाँ आए हुए। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेके झा जी के जीवन के बारे में जो कुछ अभी वर्णन किया गया है, कितना भी उसके ऊपर कहा जाए थोड़ा है, दो शब्द दो वाक्या मेरे जीवन में जो घटे हैं वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मानवीय तत्व अगर देखने के लिए जाए तो झा जी के अंदर मानवीय तत्व इतने ज्यादा थे कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो उसके साथ कह सकते हैं। 1970 में हमारे मित्र श्री एस एन वर्मा, इन सबों के आग्रह से हमने बुलाया था श्री वसंत राव देशपांडे को 1970 में, ये बगल में यहाँ बिल्डिंग है हिंदुस्तानी अकेडमी, उसमें उन्होंने गाना किया। सब पूरा इंतजाम बहादुर उनके हारमोनियम तबला किरण देशपांडे तबला बजाने के लिए आए थे। अब जो कानपुरे वालों इंतजाम कर इंतजाम किया जरूर, लेकिन एक कानपुरा वाला नहीं आया। अब हम परेशान के टीम ऐसा कौन बजाएगा कानपुरा, मैं इंतजाम में लगा हुआ एयर सुंदर उधर से दर्शक कर रहा था पंडित रामा से जहाँ हमारी मन, और ये सब जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये सब शिष्य वर्ग हम जितने हैं उन शिष्य वर्गों की तरफ से मैं कह रहा हूँ। पंडित रामा से जहाँ ने जब देखा तो हमसे आगे पूछा क्या भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या है, हमने कहा क्या ये प्रॉब्लम है, दूसरा कोई कानपुरा बजाने वाला नहीं, अरे क्यों मैं, और ये कहते हुए एक क्षण उन्होंने लिया और सी रियाली बजाने के। मुझे वो दिन याद आ गए 1935 में जब हम लोग छोटे थे और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे, एक छोटा अमाय अमाय गुरु कुटा आचे अमाय गुरु कुटा आचे कहते थे, रोते रोते बेचारे गलियारे में इधर उधर घूम रहा था, और उसका जो गुरु था जो तबला बजाने वाला था वो कहीं चाहती नहीं चल रहा, वो बच्चे की ये दुर्दशा थी। उस समय आपका आश्चर्य होगा कि सबला बजाने कौन बैठे उसके साथ, उस्ताद कृपा था, आपको शायद याद होगा आप लोगों में अगर उस समय कोई हो, उस समय का कोई कृपा था, खास साहब आए तबला बजा हर दिन दिनदार के बजे, लोगों ने इतनी तारीफ की बात की, मन कलाकार को कला सिर्फ प्रेम के साथ मानवता के साथ जो प्रेम होना चाहिए उसका वो कहीं दिन ब दिन छूटता जा रहा है कंज्यूमर सोसाइटी में। और ये 1970 में ही गुरु जी के चरित्र का ये उद्घाटन जो हुआ वो मैं एक और वाक्य कहूँगा, 2008 के अक्टूबर में हमारे वर्मा साहब के घर में कुमार गंधर्व जी के जो ग्रैंडसन उनका नाम गणेश कुंकाली उनका गाना था, मुझे क्या मालूम कि आज और क्या शहर में होने वाला है, उनका हमने गाना रहा तो सब जितने म्यूजिशियंस थे और म्यूजिक लवर्स थे सब खुद आए, सब आए, गुरु जी को बुलाए, गुरु जी भी आए ठीक 6 बजे पहले 6 बजे शुरू हो गया कार्यक्रम। पता ये चला कि उस दिन हिंदुस्तानी अकेडमी में श्री ओपी माथी इलाहाबाद के हैं, बहुत अच्छा गाने गाने बड़े शौकीन है गाते हैं, उनका उस दिन सत्कार था और उसमें गुरु जी का गाना था, गुरु जी आए गाना सुना और सुनने के बाद वहाँ गए और खुद गाए, कितनी बड़ी बात है। आज अगर किसी आदमी का गाने का कार्यक्रम हो और उसी दिन कहीं दूसरे तो जाएगा नहीं, जब तक अपना नहीं हो जाएगा तो जाएगा नहीं। तो जब मैंने बाद में गुरु जी से पूछा गुरु जी आज तो आज कार्यक्रम इसके बाद जुदा कहने में क्या नया जो गायक कर रहा है नए विचार लेके जो आ रहा है क्या उसको न सुनू, मैं तो नए विचार किसी के पास हूँ मैं जरूर सुनूंगा, चूंकि उस नए विचार सुनने से मेरे संगीत के अंदर कुछ परिवर्तन होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, इसको जरा सोचिए। आज का समाज जो विच्छिन्न होता जा रहा है, चाहे बम्बई हो चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो, इधर उधर हम देख रहे हैं कि हम जिनके हाथ हमारा शासन है वो कैसे टूटते जा रहे हैं, केवल स्वार्थवश केवल पैसा स्वार्थवश टूटते जा रहे हैं। इसमें कला और साहित्य
कि लोग भी अगर आपस में इज्जत से बैर रखना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तो ये हमारा समाज, हमारे समाज का क्या होगा। तो मैं केवल हमारे जो यहाँ बैठे हुए संगीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी भी यहाँ विचार बैठे हुए, मैं उन सबों से प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार का सहयोग वो एक दूसरे को करें, जिससे कम से कम ये अभी भारत में केवल संस्कृति नाम की चीज है, धर्म संस्कृति, यही शायद हम लोग को भारत के लोगों को जोड़ सकेगी। एक शब्द और मैं कहना चाहता हूँ आज के तरुण में से, श्री प्रकाश राय, श्री नाम भूल रहा हूँ, प्रकाश राय जी था, दो चार लोगों मैंने देखा, तरुण लोग हैं, गाने से इतना लगाव है, आज उन्होंने इतना काम किया है, कुर्सी लगाना, उसको झाड़ना पोछना, कार्ड बांटना, सब दुनिया में काम उन्होंने किया, और निश्चय मैं कैसे इस तरह के लोग अगर होंगे तो संगीत का जरूर उतार होगा और आप सब लोग जरूर आएंगे। इतना करके मैं आपसे विदा। झाजी के बारे में मैं जो यहाँ देख रहा हूँ ऑडियंस में जो लोग हैं वो मेरे ख्याल से सभी झाजी को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और उसके अलावा अभी हमारे मित्र शांताराम जी ने उनके बारे में आपको सब बताया है। मैं आपके और उदास कशालकर जी के बीच में मैं नहीं रुकावट डालूंगा, आप सब उनका गान सुनने आए हैं, इन शब्दों के साथ में आपको पंडित यशवंत राव जी एवं श्री गांवकर जी से एवं पंडित गजानंद ताड़े जी से आपने तबले की शिक्षा प्राप्त की। इंदिरा कला संगीत खैरागढ़ विश्वविद्यालय पर में आप प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपके साथ हारमोनियम पर आज के उभरते कलाकार श्री विनय जी, अपनी छोटी सी उम्र में आपने देश के लघु प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ संगत कर सका मनमोहन तानपुरी पर पंडित उल्लास कशालकर जी के शिष्य श्री ओजेश प्रताप सिंह एवं श्री समर्थ जी हैं। पंडित श्री ओजेश प्रताप सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। अपने कलाकारों का सम्मान करने हेतु उन्हें पुष्प गुच्छ देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर गीता बनर्जी को। श्री विनय जी, हम अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए पंडित शांता रामकृष्ण का शांता जी से उन्हें अंग रोशनी से अनुरोध हुए तो कलाकारों को अंग वस्त्र प्रदान करें।
का कार्यक्रम की शुरुआत श्री से कर रहा हूँ। विलंबित तिलवाड़ा बाद में तीर्था पंडित रामा शर्मा रामनगर समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी आगत अतिथियों का अभिनंदन उनके बंधन सर वहा जननी ज्योति में कलुष भेदता हर प्रकाश भर जग मग जग कर दे। धन्य है वह गुरु जिन्होंने हम सभी शिष्य गणों के अंतर में व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति प्रकाशित की। मैं कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एस एन वर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पंडित रामनंद जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। संपन्न कराने की कृपा करें।
अस्सलाम। हम सभी के लिए गुरुवर से आशीष प्राप्त करें। गुरु जी के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए मैं आज के आमंत्रित कलाकार पंडित उल्लास कशावर जी गुरुवर सर थोड़ा साइड हो गए। कितना घूम रहे हैं और जला दीजिए, और जला दीजिए, और जला दीजिए। उधर से संगीत मार्टन गायन पक्ष के चारों पट्टे महारथी संगीत आचार्य पंडित रामाश्रय झा रामरंग प्रयाग के ही नहीं, देश के ही नहीं, वरन विदेश के गौरव थे। जिस प्रकार भारतीय पृष्ठभूमि पर प्रयाग के महान साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, उसी प्रकार भारतीय संगीत के क्षेत्र में प्रयाग के संगीत महर्षि भट्ट घराने के स्तंभ स्वर्गीय पंडित रामाश्रय झा का नाम उनकी सेवाओं के कारण चिरस्मरणीय रहेगा। दरभंगा जिले के खजुरा ग्राम में मैथिल ब्राह्मण कुल के स्थान में अपने पिता स्वर्गीय सुखदेव झा जी से संगीत सीखना आरंभ किया। तत्पश्चात अपने चाचा पंडित मधुसूदन झा जी से हारमोनियम एवं गायन सीखना पासी हो गए। संगीत का गहन प्रशिक्षण आपने अपने गुरु रामलाल की सबसे महत्वपूर्ण एवं चमत्कारिक उपलब्धि यह रही है कि उन्होंने संपूर्ण रामायण को ख्याल शैली में बांधकर संगीत रामायण को स्वर्णिमिबद्ध किया। आपने अपने जीवन काल में अनेक योग्य शिष्य शिष्याओं को शिक्षित किया, जिनमें श्री कांता खन्ना जी, पंडित शांताराम विष्णु प्रशांतक जी, डॉक्टर रामशंकर जी, श्री श्रीकांत वैश्य, श्री रॉबिन चटर्जी, डॉक्टर इला मालवे, डॉक्टर विभा सिरोठिया, श्री श्री शुभा मुद्दी, श्री अनिल शर्मा, श्री प्रकाश व्यास, श्री श्रीमती शिक्षा, हम सभी हृदय से उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके वरिष्ठ शिष्यों में से एक पंडित विष्णु राम बने पंडित महत्वपूर्ण बात है, जिसके ऊपर हमारे जी जो आए थे दिल्ली से, उन्होंने बहुत सुंदर से कहा था, मैं उसकी याद दिलाना चाहता हूँ। मैं उन सबों को करमबद्ध धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरा जो धन्यवाद देना चाहता हूँ वो प्रयाग संगीत समिति के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिलन मुखर्जी और सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार और तमाम कर्मचारी जो प्रयाग संगीत समिति से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य के अंदर हाथ बढ़ाया, और अगर उन्होंने इतना हाथ बढ़ाया होता तो ये आज और हमें नहीं मिलता। मैं उन सबों का बहुत ही आभारी हूँ। इसी के साथ मैं तीसरा आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ आज के गायक
जो वादक और जो गायक वादक और उनके साथ संगत करने वाले लोग पंडित उल्लास कछारकर आज यहाँ कलकत्ते से पधारे हैं, श्री मुकुंद भारे तबला वादक वो खैरागढ़ से पधारे हैं, और श्री विनोद शर्मा ये दिल्ली से आए हुए हैं। इन तीनों के जितने भी आभार माने थोड़े ये लोग जिस तरह से कि आज स्थिति चल रही है कंज्यूमर सोसाइटी के अंदर उस तरह से नहीं आए, ये सचमुच में संगीत का प्रेम है इससे आए हुए, तो ये हमारे बधाई पात्र हैं। इनके साथ इनके दो शिष्य भी आए हैं, एक दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं मिस्टर सिंह, और एक है मिस्टर नगरकर जो लखनऊ में आईटीसी सरीखी जो संस्था है उस संस्था के कार्यभार उन्होंने संभाले। इन पांचों लोगों को हम जितना भी धन्यवाद देंगे कि निश्चित और प्रयास, एक बात मैं कहना भूल गया, प्रयास संगीत समिति ने ये जो कुछ भी दिया है हमको वो निःशुल्क दिया है। अब इससे बढ़कर और मैं संगीत समिति की क्या चाहिए, संगीत बढ़े इसके लिए, और दूसरी चीज पंडित रामाश्वर झा हमारे गुरु जी इस इंस्टीट्यूशन से 8-10 साल अटैच थे, यहीं से वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए थे। इन दो बातों का ख्याल संगीत समिति के लोगों ने किया, मैं इस बात का बहुत ही आभारी हूँ। मैं आप सभी का भी बहुत आभारी हूँ, आप सब यहाँ आए बगे हुए। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेके झा जी के जीवन के बारे में जो कुछ अभी वर्णन किया गया है कितना भी उसके ऊपर कहा जाए थोड़ा है, दो शब्द दो वाक्या मेरे जीवन में जो घटे हैं वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मानवीय तत्व अगर देखने के लिए जाए तो झा जी के अंदर मानवीय तत्व इतने ज्यादा थे कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो उसके साथ कह सकते हैं। 1970 में हमारे मित्र श्री एस एन वर्मा इन सबों के आग्रह से हमने बुलाया था श्री वसंत राव देशपांडे को 1970 में, ये बगल में यहाँ बिल्डिंग है हिंदुस्तानी अकेडमी, उसमें उन्होंने गाना किया। सब पूरा इंद्राम बहादुर उनके हारमोनियम तबला किरण देशपांडे तबला बजाने के लिए आए थे। अब जो कानपुरे वालों इंतजाम किया जरूर, लेकिन एक तानपुरा वाला नहीं आया। अब हम परेशान के तीन रहता कौन बजाएगा जाएगा तानपुरा, मैं इंतजाम में लगा हुआ एयर से उधर उधर से उधर चक्कर लगा रहा था। पंडित रामा से जहाँ हमारी मन की, और ये सब जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये सब शिष्य वर्ग हम जितने हैं उन शिष्य वर्गों की तरफ से मैं कह रहा हूँ। पंडित राम से झा ने जब देखा तो हमसे आगे पूछा क्या भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या है। हमने कहा क्या ये प्रॉब्लम है, दूसरा कोई तानपुरा बजाने वाला नहीं, अरे क्यों मैं, और ये कहते हुए एक क्षण उन्होंने लिया और सी आए इससे बजाने के। मुझे वो दिन याद आ गए 1935 में जब हम लोग छोटे थे और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे, एक छोटा अमाय अमाय गुरु कुटा आचे अमाय गुरु कुटा आचे कहते रोते रोते बेचारे गलियारे में इधर उधर घूम रहा था, और उसका जो गुरु था जो तबला बजाने वाला था वो कहीं चाहती नहीं चल रहा, वो बच्चे की ये दुर्दशा थी। उस समय आपका आश्चर्य होगा कि तबला बजाने कौन बैठे उसके साथ, उस्ताद तिरुपा था। आपको शायद याद होगा आप लोगों में अगर उस समय कोई हो, उस समय का कोई तिरुपा था खा साहब आए तबला बजा हर दिन दिनदार के बजे, लोगों ने इतनी तारीफ की बात की, मानी कलाकार को कला सिर्फ प्रेम के साथ मानवता के साथ जो प्रेम होना चाहिए उसका वो कहीं दिन ब दिन छूटता जा रहा है कंज्यूमर सोसाइटी की वजह से। और ये 1970 में ही गुरु जी के चरित्र का ये उद्घाटन जो हुआ वो मैं एक और वाक्य कहूँगा। 2008 के अक्टूबर में हमारे वर्मा साहब के घर में कुमार गंधर्व जी के जो ग्रैंडसन उनका नाम गणेश कुंकाली उनका गाना था, मुझे क्या मालूम कि आज और क्या शर्म होने वाला है, उनका हमने गाना रहा तो सब जितने म्यूजिशियंस थे और म्यूजिक लवर्स थे सब बुलाए, सब आए, गुरु जी को बुलाए, गुरु जी भी आए ठीक 6 बजे पहले 6 बजे शुरू हो गया कार्यक्रम।
पता ये चला कि कुछ दिन हिंदुस्तानी अकेडमी में श्री ओपी माथी रखते हैं, बहुत अच्छा गाने गाने बड़े शौकीन है गाते हैं, उनका उस दिन सत्कार था और उसमें तो गुरु जी का गाना था, गुरु जी आए गाना सुना और सुनने के बाद वहां गए और खुद गाए, कितनी बड़ी बात है। आज अगर किसी आदमी का गाने का कार्यक्रम हो और उसी दिन कहीं दूसरे तो जाएगा नहीं, जब तक अपना नहीं हो जाएगा तो जाएगा नहीं। तो जब मैंने बाद में गुरु जी से पूछा उनकी आशीर्वाद कार्यक्रम इसके बाद जुदा कहने में क्या नया जो गायक कर रहा है, नए विचार लेके जो आ रहा है, क्या उसको न सुनू मैं, तो नए विचार किसी के पास हूँ मैं जरूर सुनूंगा, क्योंकि उस नए विचार सुनने से मेरे संगीत के अंदर कुछ परिवर्तन होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, इसको जरा सोचिए। आज का समाज जो विच्छिन्न होता जा रहा है, चाहे बम्बई हो चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो, इधर उधर हम देख रहे हैं कि हम जिनके हाथ का हमारा शासन है वो कैसे टूटते जा रहे हैं, केवल स्वार्थवश केवल स्वार्थवश टूटते जा रहे हैं। इसमें कला और साहित्य के लोग भी अगर आपस में इस तरह से वैर रखना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तो ये हमारा समाज, हमारे समाज का क्या होगा। तो मैं केवल हमारे जो यहाँ बैठे हुए संगीत प्रेमी साहित्य प्रेमी भी यहाँ के साथ बैठे हुए, मैं उन सबों से प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार का सहयोग वो एक दूसरे को करें, जिससे कम से कम ये अभी भारत में केवल संस्कृति नाम की चीज है, धर्म संस्कृति यही शायद हम लोग को भारत के लोगों को जोड़ सकेगी। एक शब्द और मैं कहना चाहता हूँ, आज के तरुण में से श्री प्रकाश राय, श्री नाम हुआ हूँ प्रकाश राय जी था, दो चार लोगों को मैंने देखा, तरुण लोग हैं, गाने से इतना लगाव है, आज उन्होंने इतना काम किया है, कुर्सी लगाना, उसको झाड़ना पोछना, कार्ड बांटना, सब दुनिया में काम उन्होंने किया, और निश्चय मैं कैसे इस तरह के लोग अगर होंगे तो संगीत का जरूर उतार होगा और आप सब लोग जरूर आएंगे। इतना करके मैं आपसे विदा। झा जी के बारे में मैं जो यहाँ देख रहा हूँ ऑडियंस में जो लोग हैं वो मेरे ख्याल में सभी झा जी को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और उसके अलावा अभी हमारे मित्र शांताराम जी ने उनके बारे में आपको सब बताया है। मैं आपके और उदास कशालकर जी के बीच में मैं नहीं रुकावट डालूंगा, आप सब उनका गान सुनने आए हैं, इन शब्दों के साथ में आपको पंडित यशवंत राव जी एवं श्री गांवकर जी से एवं पंडित गजानन ताड़े जी से आपने तबले की शिक्षा प्राप्त की थी। इंदिरा कला संगीत खैरागढ़ विश्वविद्यालय पर में आप प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपके साथ हारमोनियम पर आपके उभरते कलाकार श्री विनय जी, अपनी छोटी सी उम्र में आपने देश के लघु प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ संगत कर सबका मन मोहा है। तानपुरी पर पंडित उल्लास कशालकर जी के शिष्य श्री ओजेश प्रताप सिंह एवं श्री समर्थ जी हैं। पंडित श्री ओजेश प्रताप सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। अपने कलाकारों का सम्मान करने हेतु उन्हें पुष्प गुच्छ देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर गीता बनर्जी को। श्री विनय जी, श्री समर्थ,
शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत राम श्री से कर रहा हूँ। विलंबित तिलवाड़ा में बाद में चिंता कर रहा हूँ। Yeah.